अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बच्चियों के ड्रेस डिज़ाइनिंग आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूंगी, जो कि बहुत सिंपल और कैजुअल से है, ताकि बच्चे इजीली ईद पे वेयर कर सकें। सबसे पहले हम इस ड्रेस की बात करेंगे। हम लोगों ने वाइट चिकन का पीस लिया था। चिकन आजकल बहुत इन है, लेकिन हम लोगों ने लाइट एम्ब्रॉयडर्ड चिकन लिया, ताकि बच्चे ईजिली वेयर कर सकें। गले की बात करें तो गला हम लोगों ने सिंपल वी शेप में डिज़ाइन किया। नीचे हम लोगों ने इसको अंगलेखा बनाया हुआ है। अच्छा, ये जो डोरी है ना, डोरी हम लोगों ने रेड और ग्रीन कलर के कंट्रास्ट में ली है, और इसी को हम लोगों ने ऐड किया। और ये डोरी का क्लोजर व्यू है। डोरी के साथ ही ये गोटी अटैच है। अच्छा, और पूरी जो हम लोगों ने पेटी है बनाई है ना, इसके ऊपर हम लोगों ने एम्ब्रॉयडर्ड जो फ्लावर है ना, इसके ऊपर हम लोगों ने पत्तियों का स्प्रे किया है। पत्तियाँ जो गोटी के साथ मैच है मल्टी कलर में। स्लीव्स इसके सिंपल है, और पेटी के नीचे हम लोगों ने हाथ वाले जूनट्स को ऐड किया। दूसरी हम लोगों ने जूनट्स नहीं डाले। ये पूरी फ्रॉक में जितने भी फ्लावर्स हैं ना, इन पर हमने स्प्रे नहीं किया, रैंडमली हमने कहीं कहीं स्प्रे किया हुआ है। नीचे सिंपल हम लोगों ने ये डोरी लगाई हुई है। अंदर की तरफ हम लोगों ने सिंपल बखिया लगाया हुआ है। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे हम लोगों ने ऊपर से लेकर नीचे पेटी तक हम लोगों ने पहले इसको ओपन बनाया, ऊपर थोड़ा सा हम लोगों ने काट छोड़ के नीचे हम लोगों ने बंद कर दिया है। ऊपर हम लोगों ने एक हुक लगा दिया है। स्लीव्स इसके सिंपल हैं, और नीचे हम उसी तरह जूनर्स को हमने ऐड किया है। अच्छा, ये जो पीछे है ना, पीछे हम लोगों ने लाइट स्प्रे किया, और आगे हम लोगों ने थोड़ा सा हैवली स्प्रे किया हुआ है। नीचे उसी तरह सिंपल हम लोगों ने डोरी लगाई, जिस तरह हम लोगों ने आगे लगाई। ये इसके साथ शरारा, शरारा हमने रेड कलर में बनाया, और ये प्रिंटेड है। अच्छा, प्रिंटेड के साथ जो सिंपल है ना, एम्ब्रॉयडर्ड में हो या बिल्कुल प्लेन सॉलिड में हो, बहुत अच्छा कंट्रास्ट आता है। अच्छा, ये रेड कलर में, और हम लोगों ने इसके घुटने पे भी लगाई है डोरी, वही डोरी जो हमने फ्रॉक पे लगाई, और नीचे भी हम लोगों ने वही डोरी को ऐड किया है। ये काफ़ी फ्लेयरी, और इसके अंदर जितनी भी येलो स्टबियाँ हैं ना, ये प्रिंटेड जो आपको नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर भी हमने उसी तरह स्प्रे किया जिस तरह हमने फ्रॉक में पत्तियों का स्प्रे किया है। आगे और पीछे दोनों साइड पर इसी तरह किया। ये इसके साथ सिंपल सा दुपट्टा है नेट का, रेड कलर में बहुत सॉफ्ट से नेट है, और चारों साइड पे हम लोगों ने ये किरण लगा दी है। दुपट्टे भी हम लोगों ने ये किरण इसलिए लगाई है, डोरी नहीं लगाई, क्योंकि जो डोरी है वो ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं होनी थी, इसीलिए ये ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही, तो हम ये लगा दी। ये हमारा नेक्स्ट ड्रेस है, बहुत प्यारा स्टफ है इसका भी। जैसे ये हम लोगों ने जनरेशन से लिया था। ब्लू कलर की बेस है, इसके ऊपर जो है कॉर्ड की लाइंस हैं गोल्डन कलर में, और उसी के साथ शॉकिंग कलर का कंट्रास्ट है। गले की बात करें तो गला इसका सिंपल गोल गला है। गले भी हम लोगों ने बोर्ड पाइपिंग किया है। पाइपिंग के लिए जो हम लोगों ने कपड़ा लगाया है, वो हम लोगों ने दूसरा शाइनिंग वाला लगाया है, और दरमियान में हम लोगों ने जो फट्टी को ऐड किया है, वो हम लोगों ने एक मिरर है, और एक हम लोगों ने गोटी वाला फ्लावर ऐड किया, जो कि बाजार से ईजिली मिल जाता है। अच्छा, ये गले से लेकर पेटी तक हम लोगों ने यही सीक्वेंस रखा है, एक मिरर और एक हम लोगों ने गोटी वाला फ्लावर ऐड किया। ये पेटी भी हम लोगों ने हाफ डोरी को ऐड किया, हाफ अंदर वाली साइड पर, हाफ ऊपर नज़र आ रही है। स्लीव्स इसके बहुत प्यारे हैं, हाथ वाले प्लेट्स हैं इसके ऊपर, पूरे स्लीव्स पे इसी तरह। आगे हम लोगों ने सिंपल बखिया लगाया हुआ है। ये वाली फ्रॉक थोड़ी शॉर्ट स्टाइल में स्टिच की गई है। अच्छा, नीचे सिंपल हम लोगों ने ना, ये जो डोरी ऊपर लगाई हुई है ना, इसी डोरी की हम लोगों ने तीन लाइनें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हम लोगों ने लगा दी, ताकि एक बॉर्डर वाली शेप आ जाए। अंदर वाली साइड पर हम लोगों ने सिंपल इसके तरपाई की हुई है। ये इसकी फुल लुक है। अच्छा, ये जो फ्रॉक का फ्लेयर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा, इसलिए बहुत प्यारी लगती है। बैक साइड पे हम लोगों ने सिंपल चार पूरा पहले ओपन किया, फिर हम लोगों ने चार सिंपल लूप्स लगाकर हम लोगों ने शॉकिंग कलर के सिले के बटन लगा दिए। ऊपर हम लोगों ने सिंपल पाइपिंग और स्लीव्स पे हम लोगों ने प्लेट्स डाले हुए हैं। नीचे हम लोगों ने उसी तरह बॉर्डर बनाया हुआ, जिस तरह हम लोगों ने आगे डोरी का बॉर्डर बनाया हुआ है, तीन डोरी लगा कर डिस्टेंस में। अच्छा, ये पेटी भी हम लोगों ने हाफ प्रोमिनेंट किया, और नीचे हम लोगों ने फुल प्रोमिनेंट किया है। ये इसके साथ सिंपल हम लोगों ने ट्राउजर स्टिच किया हुआ है। नीचे हम लोगों ने जूनट्स डालकर ब्लू कलर की बोर्ड पाइपिंग करके ऊपर हम लोगों ने एक लाइन डोरी की लगा, ताकि ये डोरी अच्छी तरह प्रोमिनेंट हो सके। अच्छा जी, थर्ड आउटफिट हमारा ये है। ये हम लोगों ने खुद स्टिच नहीं किया, ये हम लोगों ने लेयर क्लब से लिया था। बहुत प्यारा इसका डिज़ाइन है, इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ इसका डिज़ाइन ज़रूर शेयर करूँ। अच्छा, ये बहुत कंफर्टेबल स्टाइल है, और बच्चे इजीली ईद पे पहन भी सकते हैं, क्योंकि थोड़ा फैंसी स्टाइल में है।
बहुत प्यारा लाइट बेबी पिंक इसका कलर है। इसका स्टफ भी बहुत प्यारा है। गले पे इन्होंने सिंपल गोल गला और नीचे बहुत प्यारी बो बनाई हुई है। अच्छा, ये सॉफ्ट ऑर्गेंजा शाइनिंग वाली ऑर्गेंजा की बो बनी हुई और ऊपर सिंपल वाइट कलर के मोती को 3 राउंड में इन्होंने लगाया हुआ है। ये इसका क्लोजर व्यू है। अच्छा, इसी बो के नीचे ना इन्होंने एक प्लेट डाला हुआ है ताकि ऊपर से थोड़ा फिटिंग भी आए और नीचे थोड़ी इसकी ए लाइन वाली शेप आ जाए। स्लीव्स इसके बिल्कुल सिंपल है इन्होंने बनाए हुए और नीचे इन्होंने लोगों ने ना स्लिप पैड की हुई जो कि हाफ स्लिप है। ऊपर से लेकर यहाँ तक इसकी फिटिंग तक स्लिप इसकी आ रही है। नीचे इन्होंने बड़ी प्यारी लेस की डिटेलिंग की हुई है, वाइट सीक्वेंस में लेस है, थोड़ी एम्ब्रॉयडरी भी है इसके ऊपर। अच्छा, बंद चौक्स हैं इस फ्रॉक के और ये ए लाइन बहुत प्यारी स्टिच हुई है और ये जो लेस है ना इसकी डिटेलिंग कुछ इस तरह के नीचे इन्होंने ना कटवर्क बनाया हुआ है और ऊपर थोड़ी सी ऊपर इन्होंने लगाई हुई ताकि जो कटवर्क है नीचे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सके। अच्छा, ये इसका बैक साइड है। बैक साइड पे सिंपल इन्होंने काट देकर एक छोटा सा लूप्स लगा के एक बटन लगा दिया है। ये स्लीव पीछे भी है फिटिंग तक और नीचे इसी तरह सिंपल लेस। अच्छा, इसके साथ चूड़ी पजामा हम लोगों ने खुद स्टिच किया वाइट कलर में क्योंकि ऊपर लेस भी वाइट थी इसीलिए, वो भी वाइट थी इसीलिए हम लोगों ने वाइट कलर का चूड़ीदार पजामा इसके साथ बनाया। फोर्थ ड्रेस हमारे पास ये है, ये हम लोग का जनरेशन से पीस लिया था। अच्छा, इसके गले की बात करें तो सिंपल गोल गला है इसका, लेकिन गले भी हम लोगों ने फ्रिल को ऐड किया हुआ है जो कि बैन की सूरत में, सिंपल स्लीव्स हैं इसके और गुलाई में हम लोगों ने ये लेस को ऐड किया हुआ है। सीक्वेंस में ये लेस है बेबी पिंक कलर की, ऊपर सीक्वेंस है ये एक शोल्डर से लेकर दूसरे शोल्डर तक। अच्छा, यहाँ से हम लोगों ने चुनर्स डाली हुई हैं और ये चुनर्स नीचे तक हैं। नीचे हम लोगों ने इसी बॉर्डर पे हम लोगों ने ये लेस लगाई हुई है सीक्वेंस वाली पिंक कलर में और नीचे हम लोगों ने इस फ्रिल को ऐड किया। जो फ्रिल है ना इसके साथ बॉर्डर था इसीलिए हमने इस बॉर्डर को इसकी फ्रिल बनाकर हम लोगों ने इसके नीचे लगाई है। जहाँ से बॉर्डर लगाना शुरू किया उसी के ऊपर हम लोगों ने ये लेस को ऐड किया हुआ है। ये इसकी फुल लुक है। ये इसकी बैक साइड है। बैक साइड पे भी हम इन लोगों ने उसी तरह फ्रिल को ऐड किया जिस तरह हम लोगों ने फ्रंट पे ऐड किया हुआ है। पीछे हम लोगों ने 2 बटन लगा दिए। ये जो कट हम लोगों ने बनाया हुआ है ऊपर फ्रिल से लेकर हम लोगों ने नीचे लेस तक किया हुआ है ऐड। इसको पीछे हम लोगों ने उसी तरह लेस को लगाया जिस तरह हम लोगों ने फ्रंट पर लगाया हुआ, नीचे हम लोगों ने फ़ौरन लेस के नीचे हम लोगों ने चुनर्स डाली हुई हैं। अच्छा, नीचे भी उसी तरह हम लोगों ने फ्रिल को ऐड किया हुआ लेकिन इसके ऊपर हम लोगों ने लेस को नहीं लगाया हुआ। ये इसके साथ हमने कैप्री स्टाइल में ट्राउज़र को स्टिच किया हुआ है और नीचे हम लोगों ने सिंपल इसके पांचे में इलास्टिक डाला हुआ है। ये थे आज के ड्रेसेस, उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।